ना साला खुजाएगा ना हमें जाने देगा, रुको ट्राई करते हैं। ब्लॉगिंग कर कैसे रहा हूँ, बाइक तो मैंने ले नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये वायर गया हेलमेट के साथ कनेक्टेड होते हुए। और घर में नहीं बैठना ना बाजल है, 90 डेज मतलब तो 90 डेज एकदम प्रॉपर्ली करने हैं हर एक दिन का। तो दूर के लिए बाइक, पास के लिए स्कूटी। व्हाट्स अप फैमिली, की हाल चाल, आई होप सारे एकदम बढ़िया होंगे। ये है अपना चैलेंज नंबर और आप लोगों का स्वागत है अगेन डेसा व्लॉग यूट्यूब चैनल में एक नए चैलेंज वाले दिन में आप सबका स्वागत करता हूं। बट अभी दोबारा से हमें निकलना है काम के लिए, पंगा ये है जिसके पास जाना है वो अभी कॉल उठा नहीं रहा, बट सोचते हैं चलें या ना चलें। तो सुमित आ चुका है, सुमित को हेलो करते हैं। गुरु चलें कि नहीं चले? चलेंगे चलेंगे, फोन नहीं उठा रहे, पर घर में नहीं बैठना ना बाजल है। चलो देखते हैं, मतलब फिर दूसरा प्लान है क्या कहीं? चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो यार मैं रेडी होता हूँ और फिर हम निकलते हैं, क्योंकि अगर उधर नहीं उठाया तो सिंपल सी बात है भाई, कहीं और दूसरी जगह का प्लान बनाना पड़ेगा। मैं रेडी हो गया था। सो फाइनली अपना जो डे टू वाला ब्लॉग है वो लाइव हो चुका है, और जिसने नहीं देखा जाके देख लेना, थोड़ा सपोर्ट कर देना। एंड हमारा फाइनल हो गया है, हम सोच रहे थे जाए या ना जाए, तो हम लोग जाने वाले हैं और गोप्रो स्कूटी के ऊपर आज ब्लॉगिंग होगी थोड़ी सी। बट प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने सोचा था चैलेंज के लिए तो अभी कभी कभी लगता है छोड़ना, एक दो दिन बीच में स्पेस दे दूँ, पर नहीं, 90 डेज मतलब तो 90 डेज एकदम प्रॉपरली करने हैं, हर एक दिन का शूट आपके साथ शेयर करना है, अपने लाइफ का हर एक मोमेंट आपके साथ शेयर करना है। हर मोमेंट तो नहीं हो सकता, पर इम्पोर्टेंट मोमेंट जरूर शेयर करूंगा। तो अभी मैं और सुमित हो गए रेडी, निकलते हैं, बाइक की चाबी की आदत होगी, खाने क्या आपसे पूछ रहा हूँ, चलो फिर चलते हैं, चलो आ जाओ नीचे चलते दोस्तों। तो भाई बाइक अपनी उधर खड़ी है, आज अपना ट्रैवल होगा स्कूटी के थ्रू। अब कई दिनों तक बाइक निकलने वाली नहीं है, सिर्फ स्कूटी से स्कूटी, जब अब संडे को निकलेगी सीधा, और जहाँ हमें दूर जाना होता है तो दूर के लिए बाइक, पास के लिए स्कूटी। तो अभी पता है मैं ब्लॉगिंग कैसे कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ बिल्कुल सुमित के पीछे, और अभी हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले रूट पर, और सिंपल अभी मैं दिखा देता हूँ मैं ब्लॉगिंग कर कैसे रहा हूँ। बाइक तो मैंने ले नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये वायर गया है हेलमेट के साथ कनेक्टेड होते हुए, और गोप्रो को मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, बिकॉज हेलमेट से तो फिर सुमित के इधर हेलमेट पट टकराता रहेगा, बट इस साइड से कोई इशू नहीं आने वाली, ऐसे करके मैं आप लोगों के साथ बात कर सकता हूँ। हाँ, स्कूटी में अभी नहीं चला रहा हूँ, बिकॉज थोड़ी देर बाद मुझे ही स्कूटी छीननी है। अभी बच्चे को मजे ले लें दो, ले लो बेटा ले लो, थोड़ी देर बाद मैं ही छीनूंगा। सोचता हूँ ये जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल भरने वाले लोग होते हैं, ये सारा कैश अपने हाथ में लेके क्यों घूम रहे होते हैं भाई, इधर से क्यों बोलो, कैसे हो सभी, हाय हेलो। हाँ, तो मैं कहता मतलब क्यों ऐसा होता है कि सारे सारे अपने हाथ में पूरी पूरी नोटों की गड्डी लेके बैठे होते हैं, ये हमें दिखाना चाहते हैं कि तुम सिर्फ तेल भरवाने आए हो 100 रुपये का, 300 रुपये का, और हम तुमसे ज़्यादा अमीर है। भाई तो भैया जब अपने पॉकेट में रख लो ना, खामा खामा देख के लालच आता है, काश ये पैसे हमें दे दे। भाई किसी को आता हो या ना आता हो, मेरे को तो कत्ते ज़्यादा ये लालच आता है कि भाई ये पैसे प्लीज़ मुझे दे दे, ये जितने तेरे हाथ में ना दे देना। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सुबह से शाम आप घर में रुके हुए हो पर आप लोगों को भूख नहीं ना लग रही हो, पर जैसे आप बाहर निकलो आपको भयंकर वाली भूख लग जाए? तो सेम कंडीशन मेरे साथ भी हुआ। अभी क्या हुआ, आपने देखा था मैं ज़बरदस्ती अमरूद को खा के आया हूँ, पर जैसे मैं इधर ड्यू के इधर क्रॉस हुआ, मुझे अचानक से पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भूख लगने लगी, जबकि मैं सुबह से घर पे ही था, मैं सोच रहा था चलो भूख लगेगी खा लूँगा, पर उस टाइम मुझे भूख नहीं लग रही थी। एक तो भाई स्कूटी पे चलते हुए हवा इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है दिल्ली के अंदर, पता नहीं क्यों, और हाथ मुझे ले जाके इधर रखना पड़ रहा है, भाई साहब इतनी ज़्यादा हवा ठंडी लग रही है, मैं इतनी ठंडी हवा लग रही है ना, और भाई आज डबल जैकेट लेयर भी मैंने पहन लिया, एक तो ब्लैक वाला पहने था जो अभी आपने देखा था, उसके ऊपर मैंने ब्लू वाला पहन लिया। इस ठंड का कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, वरना मुझे ग्लव्स लेने पड़ेंगे अपने हाथों को बचाने के लिए, क्योंकि मेरे हाथों की वाट लग रही है अच्छी तरह से। लग तो रहा है स्प्लेंडर लेके गिरे हैं भाई, गिरे हैं गंदा वाला, गिरे हैं, स्लिप हो गया। यार ये पानी क्यों गिर देते हैं, ये मोड़ के पास ही बिल्कुल पानी गिरा हुआ है। हेलो गाइस, की हाल चाल, अब स्कूटी मेरे हाथ में है, और अब अबे क्या हो गया इसको, चलो ठीक है, स्कूटी नखड़े कर रही है आजकल, मैं तभी कह रहा हूँ इसकी सर्विस करा लेते हैं, सुखी रहेंगे, आबाद रहेंगे, स्कूटी खुश तो हम भी खुश। खराब होगी भाई, इतनी ठंड लग रही है, अभी देखो मैं आगे चला रहा हूँ ना, अब मेरे हाथ थोड़े वैसे ऐसे कर रहे हैं क्रिम्पी से, पीछे था तो पीछे भी हवा लग रही थी। मेरा भी 2-3 दिन से ना रोल कितना खाने का मन कर रहा है, पर रोल नसीब नहीं हो रहा है, ये देखो, थैंक्स विजिटिंग अगेन। ठीक है, ये हम दिल्ली से बाहर निकल गए, और दिल्ली से बाहर निकलते ही ये हम अगेन रेलो दिल्ली में आ गए, बॉर्डर से भी घूम के वापस आ गए, तो यहीं पे हम आते रहते हैं अपने काम धाम के लिए, थोड़ा बहुत काम धाम करने के लिए। सो दोस्तों हम लोग आखिरकार पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, और यहाँ पे हम थोड़ा अपना काम निपटाएंगे।
एक कॉन्सेप्ट शूट करने के लिए आए हुए थे, पर जब यहाँ पे पहुंचे तो पता चला बिल्डिंग के अंदर लाइट ही नहीं है। तो अभी जस्ट छत पे आया था, और छत पे आने के बाद जो व्यू है ना, देख पा रहे हो कितना प्यारा व्यू, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। रुको रुक जाओ, मैं सिर्फ आपको व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। ऐसी जगह पे हम मोस्टली आते रहते हैं, और भाई साहब जो है ना, इस तरह पूरा खंडर सा रखा है वाला फ्लैट है, मतलब ये वाली जगह पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमें नीड थी ऐसी जगह की जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो और हम अपने कॉन्सेप्ट को कर सके। तो ये सेम वैसे ही है भाई, इतना मस्त। ये एक है इधर से, इसके बाद इस वाले में आए, यहाँ से चले जाते हैं हम दूसरी साइड वाले फ्लैट है अंदर। ओ हाय, हेलो, कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। और इस साइड पूरा का पूरा मतलब बसावट अच्छी लग रही है। और मुझे यहाँ पे आने पर ना एक फ्लैट पसंद आया, ये वाला है जो 2 BHK का। ये वाला स्पेस यहाँ पे कम मिलता है, ये देख पा रहे हो, स्पेस कम है थोड़ा सा बालकनी का, पर चीज़ अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि दो साइड ओपन मिल जाता है दोनों रूम का, पहला ये दूसरा ये। ये फर्स्ट रूम है आपका, ये देखो यहाँ से आगे ये फर्स्ट रूम है, यहाँ पे वॉशरूम को कनेक्टेड करके दे रखा है। आगे की तरफ आएंगे, एक तो भूतिया हॉरर टाइप का यहाँ पे फील भी आ रहा है। किचन देख रहे, ये मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि किचन एकदम सेपरेट टाइप का है, छोटा है पर हाँ ठीक है, अच्छा लगा। और उसके बाद ये अलग से आपको जो आपका डाइनिंग स्पेस बहुत प्रीशियस, मतलब सही है, 2 BHK के अंदर ठीक दे रखा है। यहाँ पे अलग से वॉशरूम दे दिया, और यहाँ पे जो अड़ोसी पड़ोसी है, हेलो कोई है क्या घर पे? हेलो कोई है? एनीबॉडी? कोई नहीं है, हम ही घूम रहे इस बिल्डिंग में अकेले। भूत था क्या यहाँ पे? बंद ऐसे हुआ था, यह हवा से हुआ था, कोई है क्या? नहीं है क्या? हेलो, चलो हवा से बंद हुआ होगा। मैं सोचा क्या हो गया यहाँ पे, चलो छत पे चलते वापस, बढ़िया लगा पर मस्त है। ये रहा रोल वाला भाई, नहीं भाई भूख लगी, थोड़ा सा आमलेट खाते हैं। आमलेट खाएं या फिर रोल खाते हैं? एग रोल खाते हैं, दो डबल एग रोल बनाना भैया। हाँ मैं इस बात पता जा रहा हूँ, चेहरे का रंग जाता जा रहा है भाई, चेहरे का रंग ही रहता जा रहा है। तो हम लोग अभी आमलेट खाएंगे, सफ़ेद आमलेट सुमित के लिए, देसी अंडों का आमलेट मैं खाऊंगा, आमलेट कह रहा हूँ सॉरी, एग रोल खा रहे हैं हम लोग, फिर आमलेट निकलता है। सुमित खा लो भाई, एक बार देसी खा लो, कर देना भैया देसी। हाँ आप हम दोनों भाई देसी देसी खाएंगे, देसी देसी अंडों के, मैं दोनों देसी रख रहा भैया। फिर पहली वाली रेडी, लो भाई खाओ और टेस्ट करके बताना कैसा है। तो जूम कितना दिख रहा है, मस्त ना। इसलिए कहते हैं देसी अंडे के ज़्यादा खाने चाहिए, देसी अंडे टेस्ट उसका अलग ही रहता है नॉर्मल वाले से, और प्रोटीन भी ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों हम लोग तो भाई अब घर के लिए निकल चुके हैं, यहाँ पे अपना काम जो था वो तो हमने निपटा लिया, क्योंकि लाइट आ गई, लाइट आने के बाद तैड़ पैड़ किया और थोड़ा बहुत आपने खुद देखा, हमने एक रोल खा लिया। भाई रोल खाने में तो मज़ा तो आ रहा था, लास्ट में जब हमारा रोल निपट गया ना, उसका नमक हमें ज़्यादा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। फिर हमने पूछा भैया चाउमीन या किसी में नमक आपका ज़्यादा हो रखा है? तो हमने भैया को बोल दिया, भैया नमक कम यूज़ करना, आपके चाउमीन आपके एग रोल के अंदर नमक ज़्यादा है। ठंड तो बंदे को लग रही है, एक तो हड्डी का ढांचा लग रहा है पूरा, ठीक है, ऊपर से बाइक इतनी तेज चला रहा है, ऊपर कपकपा भी रहा है। भैया कुछ पहन पहन के निकला होता, घर वालों ने कपड़े वगैरह छीन लिए क्या, या नंगा भेजा था बाहर से, दोस्तों से मांगा है कुछ उधार वगैरह। ये देखो सिग्नेचर ब्रिज गायब हो रखा है ठंड के धुंध में। ओए कहाँ है, पीछे बस आ रही है, ओए होए होए होए, इधर बोलते, ओ वाओ यू आर सो हार्ड वर्किंग ब्रो, यस यू आर, हाँ तुझको ही कह रहा हूँ। ओके एक्टिव है, ये लाल बत्ती देख के ना सुकून मिलता है कि हाँ चालू है, क्योंकि कई बार स्टक हो जाता है तो इतना दुख होता है, जैसे कि आज दिन के अंदर भी यही स्टोरी हुई कि भाई मैं ब्लॉगिंग करते हुए आ रहा था, बोलते हुए आ रहा था, वो हुई होगी तो सीन डल चुका होगा, नहीं होगी तो सीन मिस हो गया होगा, पर छोड़ो क्या ही बताएं, गोप्रो के भी अपने ही नखड़े ना, साला खो जाएगा ना हमें जाने देगा, रुको ट्राई करते आराम से आराम से। क्या है यार हद होगी, मतलब क्या इतनी ताबड़तोड़ भाई, 2 मिनट के लिए वेट ही कर लो ना, अचानक से पूरे की पूरी बस यूँ दबा दी, उससे निकल आगे वाली बस से स्पेस पाने के चक्कर में, हॉर्न दे दे भाई, अगर उसे देना होगा स्पेस दे देगा तब निकल जाइयो, क्यों पीछे वाले लोगों की जान के साथ खेल रहा है ये। सो अपना काम चल रहा है, और क्या हो गया? अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया क्या हो गया है? पानी यार तुम्हारे घर का,
और धोलो में मना कर रहा था, मत धो मुंह वगैरह, पर ना भाई नहाना है, नहा नू के जाना है। इसलिए कहते हैं ठंड में बाबा नहाना और मुंह धोना इतना जरूरी नहीं, मन स्वच्छ होना चाहिए। भाई थोड़ा साफ साफ दिखने के चक्कर में हालत खराब हो गई, अब इस कुर्ती पे क्या होगा। कुर्ती के ऊपर अभी पता चलेगा जब जाते हुए, और ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लो भाई, इसीलिए मैं मना कर रहा था नहीं करने का। अब लग रही है ठंड, तो दोस्तों आप लोगों को भी ठंड में नहीं नहाना चाहिए, गर्म पानी करो, सतर्क रहे और हमें देखते रहे और मेरी बात मानते रहे। ये भी बोल दो कि मेरी बात मानते, ये लोग हैं ना सब्सक्राइब नहीं करते, ये लोग ना बड़े वैसे हैं यार, हमारा साथ नहीं देते ये। तुम अब्यूजिंग कंटेंट लाने चल रहे भाई, मेरा तो मैं फिर बताता हूं। नहीं अब्यूजिंग कंटेंट लाना शुरू कर देंगे क्या, भर भर के लाइक सब्सक्राइब करना लगा है, गाली वाले कंटेंट इनको ज्यादा पसंद है। चलो छोड़ो, कोई नहीं, गाली वाले कंटेंट नहीं, अपना आएगा फैमिली कंटेंट, उसी में मजा आता है। अपना भी वक्त आएगा, अपना भी वक्त आएगा, कोई देखे आने दे कि एक दिन 20 25 50 100 मिलियन होंगे, ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? नहीं, जो बंदा देख रहा है ना वो बढ़िया बंदा है, मतलब खूबसूरत भी, हंस भी रहा होगा वो। हंस भी रहा होगा, बात सही है, सरे होगा, खुश होंगे तो। सो आज का दिन खत्म होता है, हम लोग घर आ चुके हैं और मैं अभी ब्लॉग एंड करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मेरे प्यारे से पौधे थोड़े से सुस्त से लग रहे हैं, और पता नहीं क्या होगा, कैसे ये यहाँ पे बेचारा कट सा गया, अब बैग में कटा था, कैसे कटा था ये पता नहीं, पर इन्हें थोड़ा बहुत अभी हल्का सा फिच करता हूँ, क्योंकि वो मैं लाना भूल गया हूँ यार, उसे मुझे परचेज करना है। और आज के ब्लॉग को ये खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।